यूपी का मॉर्निंग एडिशन आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। नमस्कार, गुंजन दीक्षित के साथ मैं राजेंद्र देव। आइए अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। समाजवादी पार्टी ने मिशन यूपी 2022 के लिए पूरा जोर लगा दिया है। अखिलेश यादव ने कल जौनपुर से विजय रथ यात्रा के छठे चरण की शुरुआत की और इस दौरान समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले उनके तमाम सहयोगी भी मौजूद रहे। बिल्कुल, अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा में कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ नजर आया। बता दें कि अखिलेश यादव जौनपुर के दो दिवसीय दौरे पर हैं। आज वो मड़ियाहू, मछली शहर, बदलापुर विधानसभाओं में विजय रथ निकालने के साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल अखिलेश ने कल बदलाव की अपील करते हुए भाजपा और उसकी सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है और 2022 में बदलाव होकर ही रहेगा। अखिलेश यादव ने ऐसे आक्रमण किया सरकार के ऊपर। उन्होंने कहा कि हर मोर्चे पर नाकाम है सरकार, बदलाव होकर रहेगा 2022 में आने वाले चुनाव में। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे जौनपुर में अखिलेश की विजय रथ की तस्वीर, लेकिन ये शाम की तस्वीरें हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे विजय रथ यात्रा की दिन की तस्वीरें, लेकिन इन दोनों तस्वीरों में एक समानता आप देखेंगे। जो जन सैलाब है, जो अखिलेश यादव की इस विजय रथ यात्रा के दौरान लोगों की भीड़ उमड़ी है, वो दोनों ही तस्वीरों में लगभग आपको एक ही जैसी नजर आएगी। कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या इस रैली में नजर आई। चलिए आपको सीधा जौनपुर लिए चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव आज दूसरे दिन अपनी रथ यात्रा निकालेंगे। नीतीश पांडे लगातार हमारे सहयोगी उनके साथ मौजूद हैं, इस रथ यात्रा को कवर कर रहे हैं। और नीतीश, आप बता रहे थे कि बड़ा जन समर्थन मिलता सड़क पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आज अखिलेश जो है वो किन क्षेत्रों से निकलेंगे और किस वक्त वो रवाना होंगे, अभी फिलहाल कहाँ है, ये सब कुछ भी हमारे दर्शकों को बताएं। राजेन जी, मड़ियाहू, बदलापुर, मछली शहर, इन जगहों पर सभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। और आज जौनपुर की सड़कों पर कुल 9 विधानसभाएं आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगी। हर विधानसभा में इनका ये रथ छुएगा, इनके रथ को वहां पर पहुंचाया जाएगा। और जो ये सामने ये देख रहे हैं आप, यही डाक बंगला है। और ये आप देखिए, चारों तरफ आपको पूरे जौनपुर में इस तरह के पोस्टर दिखाई देंगे। और एक बार फिर ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, यहाँ पर समर्थकों का भारी हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। और थोड़ी दूरी पर जो डाक बंगला है, वहाँ पर अखिलेश यादव ठहरे हुए हैं। तो और जो समर्थक है वो पहुंच गए हैं। देखिए, नारेबाजी शुरू हो गई है। तो किस तरह का समर्थन आज मिलने वाला है, कल जैसी भीड़ थी? आप देख रहे हैं कि जो है जिस तरह से जन समर्थन माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ रहा है, तो ये साफ संदेश दे रहा है कि उत्तर प्रदेश का जनादेश आ रहे हैं अखिलेश। क्योंकि जनता के बीच में जो आज परेशानी, जन समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी को लेके पब्लिक इतना परेशान है कि आज जो है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश जी पे विश्वास कर रही है। राजेन जी, साफ तौर पर ये कहा गया है कि जिन विधानसभाओं में ये रथ पहुंचे, वहां पर पिछली विधानसभा के लोग मौजूद न हो, यानी हर विधानसभा के लोगों को ही वहां पर बुलाया जाए। हर विधानसभा के लोग अखिलेश यादव को जाने, पार्टी की नीतियों को जाने। और आप देखिए, इनके समर्थन में कुछ और भी पूर्वांचल के अन्य जिलों से भी लोग पहुंचे हुए हैं। मैं आजमगढ़ मुबारकपुर विधानसभा से आ रहा हूं। मेरा नाम नदीम अहमद है। माननीय अखिलेश यादव जो है, इस वक्त उनका जो है बहुत ज़बरदस्त जो है रेला चल रहा है, उनकी लहर है। मैं तो आजमगढ़ से बताना चाहता हूं कि 2012 में 9 सीट निकली थी, इस मरतो 10 सीट समाजवादी। हर ओर यहां पर नारों की गूंज दिखाई दे रही है, चाहे युवा हो या समर्थक हो, महिलाएं भी। देखी राजेन जी, आपको बताऊं कि जिन जिन जहां पर जो सकरी गलियों वाला इलाका था, जहां से रथ यात्रा गुजरी, महिलाएं भी बहुतायत संख्या में इस पूरी रथ यात्रा का समर्थन कर रही थी। तो आप जरा पास आ जाइए और ये बताइए कि सिर्फ समर्थन और भीड़ ही दिखाई देगी या फिर वोट वोट भी पड़ेंगे, या आने वाले दिनों की तस्वीर कैसी देख रहे चुनाव के समय? जनता ने पूरी तरह मन बना लिया बदलाव का, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है झूठी सरकार से। जनता त्रस्त हो चुकी है। ठीक है नीतीश, काफी उत्साह में है समाजवादी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता और उनके स्थानीय नेता नीतीश। और एक बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई, महत्वपूर्ण जानकारी दी कि हर विधानसभा क्षेत्र में कहा गया है कि पिछले विधानसभा क्षेत्र के समर्थक नेता और कार्यकर्ता ना पहुंचे, उसी क्षेत्र के नेता, समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने देखा जौनपुर में क्या माहौल है, डाक बंगले पर ठहरे हैं अखिलेश, और आज बाकी की जो 3 विधानसभाएं हैं वहां से होकर उनका रथ गुजरेगा।
आज से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और इसमें अनुपूरक बजट समेत कई विधेयक पेश किए जाएंगे। लेकिन सत्र की शुरुआत में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव राजभर और सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत सभी 13 शहीदों के निधन पर शोक प्रस्ताव पेश होगा। दरअसल आज सत्र शुरू होने के बाद कल सुबह 11 बजे दूसरा अनुपूरक बजट पेश होगा। इससे पहले कल हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी बातों पर चर्चा हुई। आपको बताएं कि कल सुबह बजट प्रस्तुत करने के बाद प्रश्न लिए जाएंगे और 17 दिसंबर को सदन में अनुपूरक मांगों पर चर्चा भी होगी। 3 दिन का सत्र है और तीनों दिन जो बड़े कार्यक्रम प्रस्तावित हैं वो हमने आपको बताए। कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, उसमें ये चीजें तय हुई हैं जिनको हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। ये शीतकालीन सत्र है और चुनाव से पहले ये आखिरी सत्र है इस विधानसभा का जो अभी वर्किंग है, अभी सेशन में है। तो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, आज क्या क्या कार्यक्रम रहेगा ये भी अपने दर्शकों को राजेंद्र बता देते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज क्या कुछ शीतकालीन सत्र में रहने वाला है। तो गुंजन आपको बताने जा रही है कि आज क्या शीतकालीन सत्र में होने जा रहा है, आज के दिन क्या विशेष है। ओवर टू गुंजन। बिल्कुल राजेंद्र, शीतकालीन सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा। 3 दिन तक ये सत्र चलने वाला है। दिवंगत विधायक सुखदेव राजभर को श्रद्धांजलि सत्र के दौरान दी जाएगी। शहीद जनरल बिपिन रावत को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। 16 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 16 दिसंबर को लेखानुदान पेश होगा। बजट के बाद सदन में चर्चा होगी और 17 दिसंबर को अनुपूरक मांगों पर चर्चा भी की जाएगी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि शीतकालीन सत्र आखिर इतना खास क्यों है। चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश होगा। 2022-23 के लिए लेखानुदान पेश होना है। औपचारिक कार्यों के साथ अध्यादेशों पर चर्चा की जाएगी। अधिसूचना और नियमों को पटल पर रखा जाएगा। ये 17वीं विधानसभा का आखिरी सत्र हो सकता है। तो ये आखिरी सत्र हो सकता है और इसीलिए हम बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार में आपको बता रहे हैं कि इस सत्र में जो 3 दिन का है शीतकालीन सत्र, इसमें विशेष क्या होगा। और देखिए गुंजन वापस आ गई हैं इस बारे में आपको तमाम डिटेल्स देकर, और अब आइए और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। शैलेश अरोड़ा के पास चलते हैं, लखनऊ। शैलेश, आज की जो कार्रवाई है वो कितने बजे शुरू होगी, और बाकी वैसे तो हमने बाकी 3 दिन में जो होना है मोटे तौर पर बताया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आप क्या नोटिस कर रहे हैं। राजेंद्र, देखिए 10:15 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जो है इस बैठक को करेंगे। सभी दलों के जो विधानमंडल दल के नेता है वो इस बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद बजट जो है अनुपूरक बजट दूसरा सरकार का वो कल यानी 16 तारीख को आना। बहरहाल आज जिस समय 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव राजभर और CDS बिपिन रावत, उनके सहयोगी जो सेना के जवान थे, जो उनका निधन हुआ, उनके शोक संदेश लाए जाएंगे। बहरहाल उससे पहले विपक्षी दल जो है उन्होंने सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है, और इसके मद्देनजर यहाँ आप देख सकते हैं विधानसभा मार्ग पर किस तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा, पुलिस की गाड़ियाँ आप लगी हुई देख सकते हैं, कमांडोज जो हैं उनकी गाड़ी भी आके लगी हुई है। दोनों तरफ इस पूरे विधानसभा मार्ग को ब्लॉक कर दिया गया है बैरिकेडिंग से, ताकि कोई भी आम आदमी का आवागमन यहाँ पर, गाड़ियों का, आम लोगों की जो गाड़ियाँ उनका आवागमन यहाँ पर ना हो पाए। इसको देखते हुए यहाँ पर रोड को ब्लॉक किया गया है। 9:30 बजे कांग्रेस के जो विधायक है, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा खुद और बाकी जो विधायक है कांग्रेस के, वो सभी लोग पहुंचेंगे गांधी प्रतिमा, जहां आप देख रहे हैं कुछ ही दूरी पर यहां से हजरगंज चौराहा हमें साफ यहां से दिख रहा है, कैमरे से हम दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी जितेन, वहां पर ये लोग आएंगे और उसके बाद वहां से पैदल मार्च करते हुए विधान भवन तक जो कांग्रेस के विधायक है वो पहुंचेंगे। इसी तरह 9:00 बजे वक्त हो चुका है समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनकी बैठक अंदर चल रही है, और उसके बाद वो लोग किस रणनीति के साथ बाहर आते हैं ये देखना होगा। बसपा के जो विधायक है वो भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो बहरहाल ये नज़ारा जो है आप देख सकते हैं कि कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, और इसके पीछे जो मुख्य वजह है वो यही है कि एक तो विधानमंडल का सत्र है, और दूसरी तरफ जो विपक्षी दलों के तेवर हैं सरकार को घेरने के, जो मुद्दे होंगे मुख्य रूप से इस बार सरकार को घेरने के लिए जिनको लेकर विपक्षी तैयार है, अपनी रणनीति तैयार की है, वो है नौजवानों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, लखीमपुर की जो घटना है, कांग्रेस खासतौर से लखीमपुर की घटना पर भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो रोजगार का जो मुद्दा है, महंगाई का जो मुद्दा, इन सभी मुद्दों को लेकर विपक्षी दल जो है वो सरकार को घेरने की इस पूरे सदन
है। ऐसे में कई मुद्दों को बार बार उठाया भी जा रहा है और उन्हें भुनाने की भी कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाजपा आज से अब तक का सबसे बड़ा संकल्प पत्र अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान यूपी नंबर एक, सुझाव आपका, संकल्प हमारा नाम से शुरू होगा। सीएम योगी सुबह 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसकी शुरुआत करेंगे। अभियान के तहत अगले 5 सालों में यूपी को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के विजन के साथ भाजपा प्रदेशवासियों से उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और सुझाव प्राप्त करेगी। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अश्विनी त्यागी की माने तो ये अब तक का सबसे बड़ा संकल्प पत्र अभियान होगा। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष सुरेश खन्ना और संकल्प पत्र कमेटी के अन्य सदस्य भी मौजूद रहने वाले हैं। और आगे बढ़ते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक साथ 58,189 ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवालयों की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के 58,189 प्रधानों, 55,765 पंचायत सहायकों, एडीओ के लिए आज बड़ा दिन होने जा रहा है। ग्राम पंचायत सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ न सिर्फ ग्राम पंचायत सचिवालयों का उद्घाटन करेंगे बल्कि प्रधानों समेत कई लोगों को तोहफे भी देंगे। इसके लिए सरकार ने ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों का लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में सम्मेलन को बुलाया है। तो ये बड़ा कार्यक्रम आज का एक महत्वपूर्ण आयोजन और मुख्यमंत्री स्वयं इसमें शामिल होंगे। तो कई बड़ी सौगातें मिल रही हैं, लगातार हम देख रहे हैं चुनावी माहौल है, क्या कुछ और मिलने वाला है। चलिए मैं राजेंद्र अपने दर्शकों को ये भी बता देती हूँ। जरूर गुंजन। तो अब गुंजन जो है आपको डिटेल्स में रखने वाली हैं आपके सामने कि ये जो सचिवालय भवन है इनका अर्थ क्या है, प्रधानमंत्री का जो है उसमें क्षमा करें मुख्यमंत्री जो है किस तरह से शामिल होंगे। ओवर टू यू गुंजन। बिल्कुल राजेंद्र, प्रधानों की सचिवालय सभा के बारे में भी आपको बता दें, 58,189 ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवालय शुरू होंगे। सीएम योगी दोपहर 1 बजे इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। ग्राम प्रधानों को मुख्यमंत्री सौगात भी दे सकते हैं। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, प्रधानों को नवनियुक्त पंचायत सहायकों को निमंत्रण भी भेजा गया है। पंचायती राज विभाग के अधिकारी भी निमंत्रित किए गए हैं। करीब 1,25,000 लोगों के पहुंचने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। जी राजेंद्र, धन्यवाद गुंजन, आपने विस्तार से बताया कि ये कार्यक्रम क्या है और 1,25,000 लोगों के इस कार्यक्रम में पहुंचने की संभावना है। पंचायत स्तर पर ये कि मिलने जा रहे हैं और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण। आइए अब इस बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं, अनुभव शुक्ला के पास चलते हैं। अनुभव, कुछ जानकारी हमने दी, कुछ डिटेल्स हमने दर्शकों के सामने रखे हैं, लेकिन जिसे कहते हैं कि सबसे जो लोकतंत्र का जो सबसे निचले पायदान है पंचायत, वहां पर वहां के लिए ये सारे कार्यक्रम आज आयोजित हो रहे हैं, इसलिए इनका महत्व तो बहुत ज्यादा है। अनुभव, कुछ और विशेष जानकारियां जो आपको इस संदर्भ में आज के कार्यक्रम के संबंध में प्राप्त हो हमारे दर्शकों के सामने रखें। देखिए बिल्कुल, एक तरफ तो आज विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है क्योंकि आखिरी सत्र होगा, और इसके अलावा आप देखिए संगठन का एक बड़ा कार्यक्रम है। वो क्या कार्यक्रम है? यूपी नंबर वन, यानी कि सुझाव आपका, संकल्प हमारा। ये बीजेपी कह रही कि अब तक का सबसे वृहद, अगर हम कहें, संकल्प पत्र का कोई अभियान है, जिसे खुद मुख्यमंत्री शुरू करेंगे। इसके अलावा जो दोनों डिप्टी सीएम है वो मौजूद रहेंगे, जो बीजेपी की अगर हम कहें मैनिफेस्टो कमेटी है उसके जो अध्यक्ष है सुरेश खन्ना वो मौजूद रहेंगे और तमाम जो उसके सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके पीछे बीजेपी की कोशिश ये है कि कैसे आने वाले 5 सालों में यूपी को हर क्षेत्र में नंबर वन बनाया जाए, और इसके लिए आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। जब आपको याद है किस तरीके से मैनिफेस्टो कमेटी बनाई, तभी उन्होंने कुछ नंबर जो है वो पब्लिक डोमेन में डाले कि लोग सुझाव दे सकते हैं, वेबसाइट पर दे सकते हैं, पर अब आकांक्षा पेटियां लगेंगी, यानी जगह जगह एक पेटी बीजेपी लगाएगी, लोग अपने सुझाव वहां पर डालेंगे और उसी अभियान की एक तो शुरुआत हो रही है। तो ये संगठन का बड़ा कार्यक्रम है। दूसरा जो बात आपने कही, एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। क्यों? क्योंकि 58,189 जो है वो ग्राम पंचायत है, और बहुत सारी जगहों पर तो कोई भवन था ही नहीं, बहुत जगहों पर जीर्ण शीर्ण भवन था, तो सब जगह अब ग्राम पंचायत सचिवालय जो बने हैं उनका आज से शुरुआत हो जाएगी। और इसे, इस कार्यक्रम को नाम दिया गया उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष सम्मेलन। इसमें जिन ग्राम पंचायतों ने उसके काम किया है उनको सम्मानित भी किया जाएगा,
मुख्यमंत्री आज उन्हें सम्मानित भी करेंगे। इसके अलावा कुछ समय पहले जिस तरीके से कैबिनेट ने कहा था कि इन सभी ग्राम पंचायतों में 58,189 जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर हम ग्राम पंचायत सहायकों की नियुक्ति करेंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर रहे हैं। सबसे पहली इकाई अगर हम कहें तो ग्राम ही है, ग्राम प्रधान ही होता है, और उसी को दुरुस्त किया, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त कर रहे हैं, साथ ही साथ वहाँ पर नियुक्ति भी दे रहे हैं, 58,000 से ज़्यादा लोगों की वहाँ नियुक्ति भी हो रही है। तो दोनों तरफ से आप देखिए, और डिफेंस एक्सपो मैदान में पूरा प्रोग्राम रखा गया है जो बहुत बड़ा मैदान है, तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, मुख्यमंत्री सम्मानित भी करेंगे और इन भवनों का जो है आज ठीक है होगा। ठीक है अनुभव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने विस्तार से दोनों ही कार्यक्रमों के बारे में, संकल्प पत्र के बारे में और ये पंचायती राज का विभाग का जो कार्यक्रम है इसके बारे में विस्तार से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। वाराणसी में बैठक के बाद अब भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री आज अयोध्या पहुंचेंगे और वहां पर वो परिवार के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। 10 मुख्यमंत्री और एक डिप्टी सीएम परिवार के साथ सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। हालांकि सीएम योगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम चुनावी कार्यक्रम के चलते अयोध्या नहीं जाएंगे। चलिए आपको सीधा अयोध्या ही लिए चलते हैं। रतीश त्रिवेदी इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतीश, सुबह 11 बजे का वक्त है, तो क्या ये सारे मुख्यमंत्री, ये जो 10 मुख्यमंत्री हैं, एक डिप्टी सीएम है, ये साथ एक ही विमान से वहां पर आएंगे या अलग अलग विमान से अयोध्या पहुंचेंगे? देखिए 11 बजे का वक्त दिया गया है, लेकिन 11 बजे तक सभी मुख्यमंत्रियों को यहां पर पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको दिखाएं पंचशील होटल, यहीं पर अयोध्या एयरपोर्ट आने के बाद सभी मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। 10 मुख्यमंत्री बीजेपी शासित प्रदेशों के और एक उप मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे अपने परिवार के साथ। अभी फ्लीट का रिहर्सल किया जा रहा है और सभी जो मुख्यमंत्रियों को आना है वो अलग अलग विमानों से यहां पहुंचेंगे। आपसे कुछ देर बाद से ही मुख्यमंत्रियों का एक एक करके आना शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो यहां पर पहुंच गए हैं, उनकी अगवानी के लिए जो अयोध्या के मेयर हैं ऋषिकेश उपाध्याय वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है रामलला के दर्शन करने के लिए। पहली बार इतने बड़े स्तर पर जो वीवीआईपी वो पहुंच रहे हैं, तमाम मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं और उनके इस्तकबाल के लिए, तुम्हारे स्वागत के लिए अयोध्या को होर्डिंग से पाटा गया है। और जब अयोध्या एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री एक एक कर उतरेंगे उसके बाद पंचशील होटल ही पहुंचेंगे, यहां पर थोड़ी देर विश्राम करेंगे, उनके लंच का भी प्रबंध यहीं पे है। इसके बाद वो निकलेंगे हनुमानगढ़ी की तरफ, हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे, उसके बाद सरयू तट पर जाएंगे जहां पर दुग्धाभिषेक करेंगे और उसके बाद रामलला के दर्शन करने के लिए सभी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। रामलला के दर्शन करने के बाद एक एक कर सभी मुख्यमंत्री अपने गंतव्य को जाएंगे। कुछ इस तरीके का प्रोग्राम आज बनाया गया है, कार्यक्रम है और इसको भव्य आयोजन का रूप दिया गया है। वाली बात होगी 11 बजे का समय अभी तक मुकर्रर किया गया है जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। अब देखने वाली बात होगी कब तक मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन समाप्त होने के बाद अब विजय रथ के साथ किसान नेता राकेश टिकैत रवाना होंगे। राकेश टिकैत सभी किसानों के साथ रैली निकालते हुए मुजफ्फरनगर के लिए निकलेंगे और जगह जगह इस रैली का स्वागत होगा। बिल्कुल, टिकैत को लेने काफी संख्या में एक बार फिर किसान इकट्ठा हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर में गाजीपुर बॉर्डर से किसान रवाना होंगे और आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत का 58वां जन्मदिन है। आज दोपहर 11 बजे ऐतिहासिक गांव शोरम में ये जन्मदिन मनाया जाएगा। तो आज किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के जन्मदिन के दिन वापसी कर रहे हैं राकेश टिकैत। और आपको गाजीपुर बॉर्डर के लिए चलते हैं। शक्ति सिंह इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। शक्ति, क्या रवाना हो चुके हैं राकेश टिकैत या अभी भी उनकी रवानगी की तैयारी चल रही है? देखिए अभी तक राकेश टिकैत रवाना नहीं हुए, वहीं गाजीपुर बॉर्डर की हम तस्वीर दिखाते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर की आप ये तस्वीर हमारे पीछे देख रहे हैं कि ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है। गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसान पूरी तरीके से अपने घर चले जाएंगे, लेकिन जो सामान है अभी सामान यहाँ पर बरकरार है और इस सामान को हटाने में अभी एक से दो दिन का भी समय लग सकता है। ये दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर ऐसा मानो कि सड़कों पर जैसे कि कई गांव बस गए थे। वहीं किसान हमारे साथ हैं, बात करते हैं। आप जरा ये बताइए कि अब आप आज लोग पूरी तरीके से घर चले जाएंगे, तो कैसे पल हैं आप लोगों के? देखिए इस पल के लिए हम एक साल से ज़्यादा समय से इंतजार कर रहे थे और हमारे जो किसानों की जो आवाज़ थी मसीहा थे, उन्होंने प्रण किया था कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे, सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा।
आज वो दिन आया है, तो इससे बड़ा खुशी का दिन हमारे लिए नहीं हो सकता। उन्हीं के सम्मान में मैंने एक कविता लिखी थी, अब तक मैंने 130-132 कविता लिखी। मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह, मेरे भाई सुल्तान सिंह यादव एटा से, मैं बुलेंस से। बॉर्डर से तुम जाते जाते, बॉर्डर से तुम जाते जाते, इतिहास बना कर चल दिए। दिन रात तुमने संघर्ष किया, सारा देश जगा कर चल दिए। चालों को उनकी समझ गए, जो आपस में हमें लड़ाते थे, सबने मिलकर रहना सीखा। तुम प्यार जगा कर चल दिए, बॉर्डर से तुम जाते जाते, इतिहास बना कर चल दिए। जीवन भर हम नहीं भूलेंगे इस सरकार के अत्याचारों को, जीवन भर हम नहीं भूलेंगे सरकार के अत्याचारों को। चलिए सुरेंद्र पाल सिंह का कोई नहीं, लंबी कविता लिखी है शक्ति, और वो कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा कविताएं उन्होंने वहां पर लिख दी इस आंदोलन के दौरान। उसका एक अंश अभी हमने सुना है और उसकी थोड़ी सी भावना हमारे सामने आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शक्ति इस बातचीत के लिए।